गुड मॉर्निंग बच्चों, नवामकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 2 गुरुदेव पढ़ेंगे। पाठ 2 गुरुदेव, इस पाठ में हम चित्रकथा पढ़ना, चित्रों के माध्यम से कहानी को पढ़ना, मौन वाचन करना, मतलब इशारों में अपनी बात किसी दूसरे से कहना, महापुरुषों की जीवनी से परिचित होना अर्थात उनके जीवन से परिचित होना, शुद्ध वाक्य लिखना, शब्द युग्म विलोम तथा समानार्थी शब्दों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 गुरुदेव। 7 मई सन 1861 बंगाल की कलकत्ता नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। 7 मई और सन था 1861। बंगाल की राजधानी है कोलकाता। उस नगर में एक सम्मानित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। अब चित्र में दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप हो रही है। एक पंडित जी हैं और एक हैं देवेंद्रनाथ रविन्द्रनाथ जी के पिताजी। ठाकुर देवेंद्रनाथ, आपके इस बालक का नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर कैसा रहेगा? रविन्द्रनाथ, नाम तो अच्छा है पंडित जी। धीरे धीरे रविंद्र बड़ा होने लगा। बचपन में रविन्द्रनाथ को सभी रवि कहकर बुलाते। रवि ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी प्राप्त किए थे। बचपन में सबके नाम भी अलग अलग होते हैं, आपके भी नाम होंगे बच्चों घर के, ऐसे ही उनका नाम भी क्या था? रवि था। रवि आओ, गुरुजी आ गए। हाँ, गुरुजी से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनेंगे। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचों में घूमते रहते। ये फूल, तितलियाँ और भंवरे कितने सुंदर हैं। प्रकृति प्रेम में डूबे रविंद्र का मन कल्पनाओं में खोने लगा। वे तरह तरह की बातें प्रकृति के बारे में सोचने लगे। वे कविता लिखने लगे। रवि ने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। उनके बड़े भाई उसे लेकर नेशनल पेपर के संपादक, मतलब जो पेपर छापने का कार्य करते हैं, उनके पास गए। नवीन बाबू, रवि ने एक सुंदर कविता लिखी है, लाओ दिखाओ, मैं इसे अपने पत्र में छापूंगा। रविंद्र गाते भी अच्छा थे। घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे, मतलब उनका गला कोयल की तरह सुरीला था। रवि का गला कोयल की तरह सुरीला है। इनकी चित्रकला, नाटक और संगीत में भी विशेष रुचि है। रविंद्र की रचनाएं छपी पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। एक दिन, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? रविंद्र, हम कुछ दिन बोलपुर में शांति निकेतन में रहेंगे। उनके पिताजी उन्हें लेकर शांति निकेतन चले गए। अब शांति निकेतन श्री देवेंद्रनाथ द्वारा बनाया गया एक छोटा सा स्थान था। उनके पिताजी द्वारा बनाया गया एक स्थान था। यहाँ कितनी शांति है, पेड़ों के बीच कुटिया में रहना अच्छा लगता है। हाँ रवि, यह स्थान बहुत सुंदर है। बड़े होने पर रविंद्रनाथ उच्च शिक्षा, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। वे वहाँ से जल्दी लौट आए। अब आगे क्या करने का विचार है? मैं शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलूंगा। उन्होंने सन 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला, जहां बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करने लगे। महात्मा गांधी उन्हें गुरुदेव कहते। शांति निकेतन के छात्र व अध्यापक भी उन्हें गुरुदेव कहते, क्योंकि वो शिक्षा देने का कार्य करते थे, इसलिए सब उन्हें गुरुदेव कहते। वे गुरुदेव गुरुदेव के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। सन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटना चाहा। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। वे जैसा करते हमें उसके अनुसार चलना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल को 2 भागों में बांटना चाहा, मतलब उसके 2 प्रांत बनाना चाहिए। तो इसमें रविन्द्रनाथ जी ने उसका विरोध किया। हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, अंग्रेज मुर्दाबाद। सन 1912 में उनकी पुस्तक गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन संस्था द्वारा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए अच्छे से अच्छा काम करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इन विषयों में जो अच्छा काम करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी वर्तमान राशि लगभग 5 करोड़ रुपए है, मतलब जिसे ये पुरस्कार दिया जाता है उसे इतने रुपए दिए जाते हैं। गुरुदेव बधाई हो, हमें आप पर गर्व है,
नोबेल पुरस्कार पाने वाले आप पहले एशियाई हैं। हमारा देश एशिया महाद्वीप में है तो हम लोग एशियाई कहलाते हैं। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी, पर सन 1919 में जलियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने उसे लौटा दिया। अब 1919 में जलियांवाला कांड अंग्रेज़ों द्वारा किया गया एक बहुत ही बुरा काम था, जो निर्दोष लोगों को मारा गया था। सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के विरुद्ध में एक सभा चल रही थी। वहाँ पर सैकड़ों लोगों को अंग्रेज़ों ने गोलियों से मार दिया था, अर्थात तो उनको उन पर गोलियां चलवाई थी। इसलिए इससे दुखी होकर रविन्द्रनाथ जी ने सर की उपाधि लौटा दी। अंग्रेज़ों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, मैं सर की उपाधि लौटा रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। अब जैसे उनको संगीत में रुचि थी, वैसे ही उनकी रुचि चित्रकला में भी थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। रविंद्र संगीत की तरह उनकी चित्रशैली भी प्रसिद्ध हुई। जैसे उनका संगीत रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वैसे ही उनकी चित्रशैली भी प्रसिद्ध हुई। 7 अगस्त सन 1941 में गुरुदेव का निधन हो गया। पूरे विश्व में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गुरुदेव महान कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ, राष्ट्रीय नेता के रूप में सदा अमर रहेंगे। आगे क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को गुरुदेव के लिखे गीत, उन्होंने एक गीत लिखा था जन गण मन, जो हमारा अभी राष्ट्रगान है, उसके एक अंश को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। यह संविधान सभा जन गण मन गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करती है। अब आगे चलते हैं। अभी हमने पाठ पढ़ा, अब हम इसके सही विकल्प देखते हैं। आपको इसके आंसर बताना है। पहला है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए बच्चों कहाँ हुआ था, पाठ में हमने पढ़ा था, हाँ कोलकाता में, ये देखो। बालक रवि ने अपनी पहली कविता किस उम्र में लिखी थी, बताइए 7 वर्ष में। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना विद्यालय किस स्थान पर खोला था, शांति निकेतन में। रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव का संबोधन सबसे पहले किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर उच्च शिक्षा प्राप्त करने किस देश में गए थे, इंग्लैंड में। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्र को कोकिलकंठी क्यों कहते थे, क्योंकि उनका गला कोयल की तरह सुरीला था। देवेंद्रनाथ जी अपने बेटे को कहाँ ले गए, बताइए बच्चों, देवेंद्रनाथ जी अपने बेटे को शांति निकेतन में ले गए थे। शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी, उसकी विशेषता थी क्या थी, यहाँ बच्चे प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरुदेव का कौन सा गीत राष्ट्रगान बना, गुरुदेव का जन गण मन गीत राष्ट्रगान बना। आगे पढ़ते हैं। अब कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो गलत लिखे हैं उन्हें हमें सही करके लिखना है। पहला लिखा है, पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार, तो अब इसका सही वाक्य क्या बनेगा, तो सही वाक्य बनेगा, उन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा है, सभी रविन्द्रनाथ बुलाते थे को बचपन में रवि कहकर, तो सही वाक्य क्या बनेगा, सभी रविन्द्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। तीसरा है, खोला उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय, सही वाक्य क्या बनेगा, उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। चौथा है, उन्होंने चित्र आयु में 60 वर्ष की बनाना शुरू किया, तो इसका क्या बनेगा, उन्होंने 60 वर्ष की आयु में चित्र बनाना शुरू किया। आगे पढ़ते हैं। अब हैं विलोम शब्द, मतलब उल्टे शब्द। ऐसे पहला है, इधर का उधर, दूसरा क्या होगा, खरा खोटा, अच्छाई बुराई, सुख दुख, चल अचल, काला गोरा, ये इनके विलोम शब्द होंगे। आगे पढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। प्रेम का क्या होगा, प्यार, मतलब उनके समान अर्थ वाले शब्द लिखना है हमें। विद्यालय
पाठशाला। आयु, उम्र, पुत्र, बेटा, सुपुत्र लिख सकते हैं अपन। हाँ, तो ये पार्ट 2 यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।